हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एक्सेल में डुप्लीकेट वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है और हमारे फ्रेंड हैं शिव मिश्रा, जिन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि इस पर भी एक वीडियो बनाइए, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, राम एक स्टूडेंट का नाम है, इसकी एंट्री देखिए राम अमृत श्याम, और यहाँ पे देखिए ये डुप्लीकेट एंट्री हो गई। यहाँ पे देखिए राम की एंट्री दो बार हो गई, यहाँ पे हुई एक बार, यहाँ पे हुई, ठीक है। ये तो एक छोटा सा डेटा है हमारे पास। आइए देखते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पे फिर से राम की एंट्री है, ठीक है। इसी तरह से कई एंट्रीज बार बार रिपीट होती हैं। इस डुप्लीकेट एंट्री को फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, स्टूडेंट वाले, ठीक है। ये सेलेक्ट करा हमने, इसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, गए हाईलाइट से रूल्स पे जाएंगे और यहां पर आपको मिल जाएगा डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑप्शन, क्लिक कीजिए इस पे, ठीक है। तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो इसमें हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए इसमें से ये सचिन, सुरेश और रजनीश, यही एक ऐसी वैल्यू है जो कि डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। अब इसको हम कैसे पता करें कि डिलीट कैसे करेंगे, हटाएंगे कैसे, पूरी वैल्यूज जो डुप्लीकेट है वो कैसे हटेंगी। तो आप पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से डेटा ये जो है पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लिया हमने। और आइए अब पता करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी वैल्यूज डुप्लीकेट है वो रेड कलर में हाईलाइटेड है और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड हो रही है। इसके साथ साथ ही नंबर भी सेलेक्ट होके आ जा रहे हैं, तो नंबर तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ नाम को हटाना है, ठीक है। डुप्लीकेट नाम की एंट्री जो दो बार हमने कर ली है, तीन बार कर ली है, उसको हमें हटाना है। तो करेंगे कैसे इसको, यहाँ पे बाहर में क्लिक करता हूं और अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ किसको सेलेक्ट करने वाले हैं, ये स्टूडेंट नेम को, ठीक है। तो यहां से ये पूरा नेम हमने सेलेक्ट करा, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और इसको मैं एक अलग कलर में हाईलाइट करता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यूज पे गए और यहाँ लाइट रेड है, मैं इसको येलो में कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंट्रीज जो है डुप्लीकेट हुई है, ठीक है। अब इन एंट्रीज को हम कैसे इसमें रिसेक्ट करेंगे, कैसे इसकी पहचान करेंगे, कैसे इसको हटाएंगे, ये सारी चीजें, पहचान तो आपने कर लिया लेकिन अब हटाने की बात है कि इसको कैसे हटाएंगे डुप्लीकेट एंट्री को। तो सिर्फ हमें नाम वाली डुप्लीकेट एंट्रीज ही हटानी है। तो हमको कहाँ जाना है, डेटा टैब में जाना है, ठीक है। और डेटा टैब में जाने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है रिमूव डुप्लीकेट्स का, देख सकते हैं आप डेटा टैब में ये रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है। तो हमें सिर्फ नाम वाला ही डुप्लीकेट्स हटाना है, तो हमने नाम वाला सेलेक्ट कर रखा है कॉलम, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब हमें कहाँ जाना है, यहाँ रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाना है, ठीक है। कंटिन्यू विथ द करेंट सेक्शन, ठीक है, इस पे हम टिक करेंगे रेडियो बटन पे और रिमूव डुप्लीकेट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारी डुप्लीकेट्स एंट्रीज गायब हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम के बेस पे ही हमें करना है। ओके प्रेस करता हूं मैं यहां से और आप देख सकते हैं 18 डुप्लीकेट एंट्रीज यहां से गायब हो चुकी हैं, ठीक है। बाकी की एंट्रीज को आप चाहे तो ऐसे भी यहां से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से इसको मैं डिलीट कर देता हूं, तो बाकी की एंट्रीज डिलीट हो गई, यानी कि हमारे पास जो डुप्लीकेट एंट्री थी वो इस तरह से डिलीट हो गई। बाकी ये भी डुप्लीकेट एंट्रीज को इंडिकेट कर रहा है, बट सब्जेक्ट के मार्क्स तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे इस डुप्लीकेट एंट्री को हटाना है हमें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।